एनएससी अजीत डोबाल इस वक्त कुछ कह रहे हैं हम आपको सुनवाते हैं फिर इस खबर पर लौटेंगे इस खबर पर नजर है सिक्योरिटी ओनली इन रिलेशन टू दायरमेंट इन विच हैव टू प्रोटेक्ट अवर नेशनल इंटरेस्ट एंड टू प्रोटेक्ट ऑल अवर नेशनल इन दिस कॉन्टेक्ट इफ यू सी द होल वर्ल्ड इज अंडर गोइंग ए ग्रेट चेंज द वॉर्ज आर चेंजिंग दियर कॉम्प्लेक्शन इंक्रीजिंगली वी आर गोइंग टेस वॉर वी आर ऑल्सो वॉर अगेंस्ट द इनविजिबल एनिमी टेक्नोलॉजी इज टेकिंग ओवर एट ए वेरी रैपिड स्पीड सो व्हाट वाज गुड फॉर येस्टरडे इज नॉट नेसेसरली गुड फॉर टुमारो जो हम कल कर रहे थे वही भविष्य में भी करते रहें तो हम सुरक्षित रहेंगे ये संभव नहीं है यदि हमें कल की तैयारी करनी है तो हमें परिवर्तित होना पड़ेगा आवश्यक इसलिए था कि ये सारी का सारा जो इन्वायरमेंट है भारत भारत के चारों तरफ सारे संसार के अंदर में वो बदल रहा है दूसरा इसको एक परिपेक्ष में देखने की जरूरत है देर इज ए नीड टू लुक एट इट इन ए परस्पेक्टिव यह अग्निपथ अपने में कोई योजना नहीं है यह अग्निपथ अपने में कोई स्टैंड लोन साइलो नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता में आए 2014 में तो उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता वन ऑफ इस प्राइम प्रायोरिटी वॉज हाउ टू मेक इंडिया सिक्योर एंड स्ट्रांग And that required many avenues, that required many steps, multitude of them. Broadly speaking, they come under the four heads. It requires equipment. It requires change in systems and structures. It requires change in technology. It requires change in manpower, policies. And they have got to be futuristic. आपने देखा होगा अगर आप पिछले आठ सालों के अंदर में देखें तो स्ट्रक्चरल एंड सिस्टमेटिक चेंजेस बहुत सारे हुए हैं मान लिया जाए कि सी का वो था पिछले बाईस पच्चीस साल से पड़ा हुआ था ये डिमांड थी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशन थी लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति न होने के कारण यह इंप्लीमेंट नहीं हुई हमारे यहां साइबर थ्रेट्स पैदा होने शुरू हो गए थे डिफेंस साइबर एजेंसी का निर्माण एक स्ट्रक्चरल एंड सिस्टमिक चेंज था डिफेंस स्पेस एजेंसी का आज से पांच साल दस साल पुराने सैनिक इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि आज हमारी डिफेंस एजेंसी के अपनी स्पेस की एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है एक इंडिपेंडेंट वो है इसी प्रकार से बहुत सारे जो सिस्टम्स एंड स्ट्रक्चर्स में चेंज किए गए दूसरा जो क्षेत्र था जो है इक्विपमेंट का आज हम आपने देखा होगा सरकार ने अपनी सेना के लिए कितने नए तरह के वेपन्स हमारे पास में जो असोल्ट राइफल थी जिस पर हम डिपेंड कर रहे थे सेवन पॉइंट सिक्स टू वो शायद इतनी कारगर नहीं थी अब उसको रिप्लेस किया जा रहा है भारत में बनी हुई ए के टू जीरो थ्री के साथ में ये एक बहुत ही कामगर और दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट असोल्ट राइफल्स होगी इसी प्रकार से अगर हम देखें चाहे वो पंडुबियों के क्षेत्र में है चाहे वो पर्सनल इक्विपमेंट ऑफ द सोल्जर है चाहे वो एयरक्राफ्ट्स हैं हमने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का और अब ये फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट एमका का हम निर्माण कर रहे हैं तो इक्विपमेंट के क्षेत्र में एक बहुत प्रगति की जा रही है और एक है टेक्नोलॉजी का फील्ड जो सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव फील्ड है इसमें पैसा भी बहुत लगता है और बहुत कुशल वैज्ञानिकों की आवश्यकता होती है वी नीड द टॉप साइंटिस्ट हु आर ग्लोबली कॉम्पिटिटिव एन अदर्स देखिए इस सरकार के टाइम के ऊपर में अंतरिक्ष के अंदर में जो जो नए जो बड़े नए संकट आए सारे का सारा वारफेयर जो है वो सैटेलाइट कंट्रोल होगा आपका जो हवाई जहाज चलेगा ये आपके जो रडार्स काम करेंगे वो सब सेटेलाइट कम्युनिकेशन ये अग्निवीर जो है उनकी ट्रेनिंग सिर्फ एक या तीन महीने की होगी मतलब आर्मी चीफ ने कहा है दैट बाय डिसंबर रिक्रूटमेंट हो जाएगी और मार्च तक डिप्लॉयमेंट हो जाएगी ये कहाँ से आप उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं रेडार या सबमरीन के लिए हाउ टू हाउ टू

Uh, सबसे अधिक एजेंट आर्मीज में से है तो हमें उसको ठीक करना था अब आपने प्रश्न किया कि यदि हमारे को अग्निवीर बनाते हैं या हम अग्निपथ के रास्ते पर चलते हैं तो किस प्रकार से हम उनकी ट्रेनिंग और उनको इक्विप कर पाएंगे इन नई चुनौतियों का टू मीट द न्यू चैलेंजेस एंड द थ्रेट्स विल दे बी कॉम्पिटेंट इनफ नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग फर्स्ट पॉइंट यू मस्ट अंडरस्टैंड अग्निवीर विल नेवर कंस्टिट्यूट द होल आर्मी अग्निवीर केवल पहले चार साल में रिक्रूटेड जवान होंगे बाकी लोग जो होंगे जिनका की प्रोपोर्शन hmm. एक बहुत बड़ा होगा hmm. वो अनुभवी होंगे दे विल बी एक्सपीरियंस दे विल बी ट्रेन एंड अदर एंड दीज अग्निवीर दोज द रेगुलर इवेंचुअली विल गो थ्रू मोर इंटेंसिव ट्रेनिंग विल एक्वायर द एक्सपीरियंस विल बिकम मोर बैटल वी एंड मोर एक्सपीरियंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम So Indian army, at any point of time, will have a large number of people who, though recruited as Agnives but had been specially selected for their suitability, for their fitness, for their agility, for their uh, motivation and for their aptitude for the job, and also did not have that sort of the personal problems by which they would like to leave the army and settle for something which is more stable and a personal life. So these persons will be well trained so it is not only that the indian army will be having only this component yes indian army will constitute at the level of the jawans and the oars who had been recruited through the process of Agnibis, specially selected whose work whose performance has been monitored and digitally monitored through various uh, uh, complex processes over a long period of time selection is one part even when you select people who are physically fit and others, it's a very small this thing. But when we observe them over a longer period of time, we are able to see that what sort of uh, material do we have which will make the ideal soldier for the future. Imagine the army of 15 years' heads in which the, all those who have been recruited have come through the special four years probation period and then gone and joined the army. See their technical skills, see their motivation, their physical fitness and others they will all be the people who will probably the cream the cream of the internet. right so my first question will be i will go later into those who are not being amalgamated but first about those who are going to be amalgamated into the service there's already a system of your regiments and corps

चाहे वो रेगुलर में जाए चाहे वो अग्निवीर की तरह जाए चाहे पंद्रह साल पहले जाता था उसकी भी पहले एक महीने की सर्विस होती है फिर छह महीने की होती है फिर एक साल की होती है वो शुरू नहीं होता है पंद्रह साल की या बारह साल की सर्विस के साथ में एक बात जहां तक रेजिमेंट्स का सवाल है इसमें दो बातें समझनी चाहिए ये जो रेजिमेंट्स का कंसेप्ट है इसको कोई टिंकर नहीं कर रहा है अगर रेजिमेंट्स हैं तो आर्टिलरी की रेजिमेंट्स रहेंगी आर्मन कोर की रेजिमेंट्स रहेंगी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं या इंजीनियर्स हैं या बाकी सारे हैं ये जो रेजिमेंटल कभी कभी इन्फेंट्री की कुछ यूनिट्स के अंदर में बारे में लोगों को भ्रम है पहली बात तो अब कोई कास्ट बेस्ड रेजिमेंट्स बहुत कम बची हैं सिर्फ दो या तीन हैं जो कि अभी भी प्योर उसी एरिया के क्षेत्र को करते हैं और ये एक कॉलोनियल लेगेसी है अंग्रेज ये चाहते थे कि कोई भी चीज़ पैन इंडिया ना हो और वो ये चाहते थे कि उनको किसी न किसी वर्ग में बांटा जाए और उस वर्ग या क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में जाए उनका कोई नेशनल परस्पेक्टिव नहीं हो क्योंकि इससे उनके अपने कॉलोनियल एम्पायर को एक खतरा था देखिए मैं आपको बताता इसी इंडियन नेशनल इसी इंडियन आर्मी को फर्स्ट टाइम ये नेशनल आर्मी के रूप में कब आई आजाद हिंदी फौज की तरीके से वेन इट बी द इंडियन नेशनल आर्मी क्या था उसका साठ हजार की फौज थी कोई रेजिमेंट थी इनकी थी रेजिमेंट इनकी रेजिमेंट थी रानी झांसी रेजिमेंट इनकी रजमेंट थी महात्मा गांधी रेजिमेंट